फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा, और जो कि मैं फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं यूट्यूब पे से वैसे देख के बनाने वाली हूँ, पर मुझसे बनने वाला है। लेट्स ट्राई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। इसके लिए ले रही हूँ मैं बराबर आटा गेहूँ का, जिससे मेरे हाथ भी भर गए। मैं इतना आटा ले लेती हूँ, इतना आटा शायद इनफ रहेगा। कुछ लोग मैदे से भी बनाते हैं, कुछ लोग आटे से बनाते हैं, तो मैं आटे का बना रही हूँ। आटा मतलब गेहूँ का आटे से बनाते हैं, तो इसमें मैं थोड़ी सी नमक डाल देती हूँ, और इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल देती हूँ, एक चम्मच, थोड़ी सी और डाल देती हूँ, दो चम्मच। मैं यूज कर रही हूँ ये वाला ईस्ट, जो कि मुझे पिज्जा बनाने का बहुत चढ़ा है, तो मैं कल ही मार्केट से लेकर आई हूँ ये ईस्ट। ओके, तो ये अंदर से कुछ इस टाइप का है, और मैं इसको इतना डाल देती हूँ, तो इनफ है। मेरे मुंह पे चक गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी बेकिंग सोडा, ये वाला, जो ये भी मैं कल लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाने का भूत चढ़ा हुआ है। ये मैं खोलती हूँ, और ये कुछ इतना मैं डाल दूंगी। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग होता है, जो पहले मुझे एकदम सेम लगते थे। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ इतना। अब मैं डालूंगी बेकिंग पाउडर, पहले मैंने डाली थी बेकिंग सोडा, अब मैं डालूंगी बेकिंग पाउडर। ये भी मैं उतना ही ले लूंगी, दो तीन चुटकियां। ऐसा मेरा कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। अब सामान मैंने इसमें ऐड कर दी हूँ, अब इसके बाद मुझे लेना है दही। सो मेरे पास है दही, जो कि बहुत ज्यादा फ्रेश है, तो इसमें मैंने देखी थी उसमें पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा दही ऐड करते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है। और मुझे बहुत बाद में पता चला था कि इसका डो भी मिल जाता है बहुत अच्छा सा, पर ठीक है, मैंने ला लिया सारा सामान, तो मैं खुद बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा का काम करने का बहुत ज़्यादा शौक है। ठीक है, इसके बाद मैं इसे जल्दी इसलिए बना ले रही हूँ, क्योंकि इसे रखना भी पड़ेगा 20 मिनट। और अगर ये पिज़्ज़ा अच्छे से नहीं बना, मेरी मेहनत भी वेस्ट जाने वाली है, मुझे पता है, और मुझे मेरी मम्मी से बहुत डांट भी पिटने वाली है कि मैं एक्सपेरिमेंट क्यों करती हूँ, ज़्यादा के काम क्यों करती हूँ। पर ठीक है, जब तक के सीखेंगे नहीं, जब तक के आएगा कैसे। बट ये भी है, जब ये मिल जाता है अच्छा सा मार्केट में, तो फिर मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे काम करने का शौक है। काम करने का मतलब ज्यादा के काम करने का, मतलब ज्यादा के काम करने, तो ये मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए, इस टाइप का कुछ हो गया है, और वीडियो में भी कुछ इस टाइप का दिखाया था, मतलब मैं सही जा रही हूँ अभी तक के। तो अब मैं इसे जो है 20 मिनट्स के लिए रख दूंगी अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये हो गया है रेडी, देख सकते हैं आप, परफेक्ट रेडी हो गया, जैसे मैंने वीडियो में देखी थी। अब ऐसा हो गया है मेरे साथ कि मैंने बटर पेपर रखी थी, बट वो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही उसे संभाल के रख दी थी, और मैं जो भी चीज़ ज़्यादा संभाल के रख देती हूँ ना, वो मुझे कभी नहीं मिलती है टाइम पे। तो ये देखिए, मैं इसे अच्छी तरीके से ऐसे फैला लूँगी, आप चाहे तो इसे बेल भी सकते हैं, पर मैं इसे अच्छी तरीके से फैला ले रही हूँ। और आप चाहे तो इस पर न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा मैंने करी उस पर ऑयल लगा के, तो क्या होता है, ये चिपकता नहीं और अच्छे से निकल जाता है। तो ये हैक है, आपका किचन हैक, आप याद रखिए, अगर आप भी कुछ ऐसी सामान संभाल के रख दो और आपको ना मिले, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो।
और इसके बाद मैं इसमें फोक की हेल्प से ना इसमें बहुत सारे छेद कर दूंगी ताकि जो मेरी ब्रेड है वो अच्छी तरीके से पक जाए और वो अंदर से कच्ची ना रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पिज़्ज़ा बन जाए लेकिन उसकी जो ब्रेड है वो कच्ची रह जाए। तो इस तरीके से मैं इसमें अच्छे से छेद कर दूंगी। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है क्योंकि ना मैं पूरा चीज़ें आपको बता रही हूँ, इस वजह से मेरी जो वीडियो है वो बड़ी हो गई। तो आप वीडियो को एंड तक ही देखना, नहीं तो आप कोई चीज़ मिस कर दोगे तो गलत हो जाएगा, मतलब आपका पिज़्ज़ा बनने में गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इस पर पिज़्ज़ा सॉस डाल दी और उसके बाद मैं इसमें टमाटो सॉस साथ में ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे टमाटो सॉस बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और पूरी जगह पर अच्छे से फैला लूँगी ताकि अच्छे से लग जाए। और ये देखिए, इस तरीके से मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर ली हूँ और पूरी जगह पे फैला दी हूँ। और ये जो बैकग्राउंड में मेरे आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स, ये मेरा पैरट की है जो कि मुझे वीडियो नहीं बनाने देता है और मेरे वीडियो में चिल्लाते रहता है, तो इसे इग्नोर कीजिए। तो इस तरीके से मैंने सॉस लगा ली हूँ इसमें और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी चीज़। थोड़ी सी मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ। ये मैंने चीज़ उसको थोड़ा मोटा मोटा काटी क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ चाहिए थी, तो मैंने चीज़ के पीस कट करके जो है मैंने पिज़्ज़ा पे डाल दी हूँ और मैं इसमें चीज़ में डबल लेयर लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसके ऊपर चीज़ डाल दी हूँ और ये मेरे से कट नहीं रहा है। मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे डालूँ, पर ठीक है, मैंने इसके मोटे मोटे टुकड़े करके जो है मैंने इसे डाल दी थी। और ये देखिए, अब मैंने ना हाथ से इसको थोड़ा मैश करके जो है वो चीज़ में डाल दे रही हूँ ताकि ये बनने के बाद मुझे बहुत सारा लगे कि ये चीज़ी पिज़्ज़ा है, क्योंकि चीज़ में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब ये देखिए मैंने चीज़ डाल दी, अब इसके ऊपर मैं टमाटो डाल रही हूँ और इसके बाद मैं सेकंड पिज़्ज़ा जो बनाने वाली हूँ उसमें मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखूँगी। इसमें तो सिर्फ सिंपल से कटे हुए टमाटर मैंने डाल दी हूँ और ये देखिए इस तरीके से, और मैंने थोड़े से प्याज डाली हूँ, टमाटर और प्याज डाली हूँ वेजिटेबल्स में, और आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकती है। और उसके बाद ये देखिए मैंने जो है इसमें चीज़ डाल दी हूँ पिज़्ज़ा वाला, इसको थोड़ा मैंने इस तरीके से पीस ली थी गाजर घिसनी में। और ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब मैं कढ़ाई में जो है 5 मिनट जो है पहले उसको प्री हीट कर लूँगी कढ़ाई को। 5 मिनट पहले मैंने इसे ज़्यादा आँच में रखूँगी और जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो मैं इसे ना कम आँच करके 20 मिनट के लिए रख दूँगी। और वहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा बन रहा है। और यहाँ पे देखिए मैं एक्सपेरिमेंट ये करने वाली हूँ कि मैंने ना ये टमाटर और प्याज का इसे सेकेंड पिज़्ज़ा में ऐड करूँगी। और ये जो सेकेंड पिज़्ज़ा है ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाना था मुझे, तो ये मैंने इसे चौकी पे जो है मैं बेल ले रही हूँ और ये हमारा जो है सेकेंड पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो रहा है। इस तरीके से आपको जो भी बड़ा बर्तन मिले आप ढक लीजिए ताकि जो इसकी आँच है वो बाहर ना जाए, ये अच्छे से भाप जाए। 20 मिनट बाद देखिए ये मेरा जो है रेडी हो गया है। क्योंकि अगर मैं फ्रेंड्स बहुत पूरी वीडियो बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी वीडियो, वैसे ही अभी बहुत लंबी हो गई है। और देखिए ये मेरे जो इसमें ब्रेड जो है बहुत अच्छे से सिक गई है और ये जली भी नहीं है और इसका जो चीज़ है ये भी बहुत अच्छे से बन चुका है पूरा। तो मैं इसे अच्छे से निकाल लूँगी और जो ये हमारा फर्स्ट पिज़्ज़ा जो है रेडी हो गया है, ये देखिए कितने अच्छे से निकल जा रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है दिखने में। और जो है सेकंड पिज़्ज़ा, अब हम सेकंड पिज़्ज़ा को रेडी कर लेंगे बनाने के लिए। तो ठीक है, आप मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मेरा पहला पिज़्ज़ा जो है वो बहुत अच्छा बन गया है और मुझे आइडिया हो गया है कि पिज़्ज़ा कैसे बनता है घर में और मैं इजीली बना सकती हूँ। तो बस इसी तरीके से सेकंड पिज़्ज़ा जो है हम बनाने के लिए रख देंगे। बस हमको सॉस लेना है और ब्रेड रेडीमेड भी मिल जाती है, तो नेक्स्ट टाइम तो मैं रेडीमेड ब्रेड ही लाऊँगी इसकी, तो थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी अगर खाने का मन हुआ तो। और इस तरीके से देखिए मैं इसमें भी अच्छी तरीके से छेद कर दूँगी ताकि ये भी जो है मेरी अच्छे से पक जाए ब्रेड। और इस तरीके से जो है मैंने इसमें छेद कर दी हूँ और अब मैं इसके बाद इसमें वही सेप जैसे फर्स्ट टाइम कर रहे थे वैसे ही सेकंड टाइम करने वाली हूँ। मैं पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर दूँगी और इसमें टमाटो सॉस ऐड कर दूँगी। बस जो इसमें ये अलग से ऐड हो रहा है कि जो हम लोग ने टमाटर जो डाले थे बिना बने हुए जो डाले थे वो अभी बने हुए रहेंगे। और इस तरीके से मैं पूरा सॉस जो है वो अच्छे से लगा दूँगी। ये अच्छे से बने और ये थोड़ा सा गिर भी रहा है
और ये देखिए मैंने पनीर को, इस बार मैंने पनीर को टुकड़े नहीं करी हूँ, इसमें मैंने बारीक जो है मिक्सी नहीं गाजर घिसनी की हेल्प से जो है मैंने इसे बारीक बारीक कर ली थी। और मैं अब इसे चीज़ को अच्छे से पूरा फैला दूँगी और फिर इसके ऊपर जो है ये मैंने बनाई थी जो तेल में प्याज और टमाटर डाल के, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दी थी। ये मेरी गलती थी, इसमें मैंने नमक नहीं डालना था क्योंकि मैं टमाटो सॉस भी ऐड कर रही हूँ इसमें, तो थोड़ा नमक ज़्यादा हो सकता है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसे बना सकते हैं। और मैं इसके ऊपर फिर चीज़ से ढक दूँगी। तो ये हो गया हमारा पिज्ज़े का बेस रेडी हो गया है। अब हम इसे चढ़ा देंगे कढ़ाई पे जैसे हमने फर्स्ट चढ़ाए थे। तो ओवन मेरे यहाँ का हो चुका है ख़राब और मैं चढ़ा रही हूँ इसे कढ़ाई पे क्योंकि मुझे खाना है पिज़्ज़ा। तो ये देखिए मैंने चढ़ा दी हूँ और मैं इसे अच्छे से जो है ढक दूँगी और रख दूँगी और 20 मिनट बाद इसे निकालूँगी। तो देखिए हमारा जो पिज़्ज़ा है वो हो गया है रेडी, और इसी तरीके से मेरा दूसरा पिज़्ज़ा भी बन गया था। और ये देखिए ये कट भी कितना अच्छे से जा रहा है, वो टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो इसे आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि ये बिगड़ जाएगा और मुझे डांट पीटेगी, बट ये बहुत अच्छा बन गया है और बहुत टेस्टी भी लग रहा था, तो आप ट्राई कर सकते हैं इसे घर में। तो ये चाकू से भी इसके जो है अच्छे से पीस कट चुके हैं और ये है मेरे दोनों पिज़्ज़ा रेडी हो गए हैं। बट जो टमाटर मैंने बिना बनाए डाली थी वो ज़्यादा टेस्टी है वाला पिज़्ज़ा, और ये टेस्टी बहुत ज़्यादा है, तो इसे घर में ट्राई ज़रूर करें।